हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बीजेपी दलितों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए अब पार्टी अंबेडकर जयंती से गांवों का रुख करने वाली है और इसमें अधिकतर गांव ऐसे होंगे जहां दलितों की आबादी अधिक है। इसके लिए बीजेपी ने मंत्रियों और बड़े नेताओं को गांव में वक्त गुजारने का निर्देश दिया है। दलितों को लुभाने का बीजेपी का दांव, अब गांव के डगर पर निकलेगी बीजेपी। बीजेपी 2019 की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है और सबसे ज्यादा उसका ध्यान दलितों को लुभाने पर है। इसके लिए बीजेपी खास रणनीति भी बना रही है। दलितों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा सरकार को घेरने के प्रयासों के बीच मोदी ने कहा कि भाजपा सांसद और दूसरे नेता गांवों का रुख करेंगे। 14 अप्रैल से 5 मई के बीच गांवों का रुख करेगी बीजेपी। बीजेपी सांसद, मंत्री और बड़े नेता करेंगे गांवों का रुख। अनुसूचित जाति और जनजाति के 50% से अधिक आबादी वाले गांव शामिल, ऐसे लगभग 20,000 से ज्यादा गांवों में रात गुजारेंगे बीजेपी नेता। इस दौरान बीजेपी नेता लोगों को केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी देंगे। 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म जयंती से 5 मई तक पूरा देश भर में हम ग्राम स्वराज अभियान करने वाले हैं और उस ग्राम स्वराज अभियान में हमारे सभी सांसद, मंत्री, पदाधिकारी, हर स्तर के कार्यकर्ता हजारों लाखों गांवों में जाने वाले हैं। बीजेपी सबका साथ सबका विकास यात्रा का भी आयोजन करेगी। सपा बसपा गठबंधन के बाद अंबेडकर को लेकर छिड़ी रार के बीच भाजपा ने व्यापक रणनीति बनाई है। अंबेडकर जयंती पर पार्टी ने प्रदेशव्यापी कार्यक्रम तय किए हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस पर बूथ और सेक्टरवार कार्यक्रम तय किए गए हैं। जिलों में प्रभारी मंत्रियों के दौरे सुनिश्चित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में भी बीजेपी अंबेडकर जयंती के लिए माहौल बनाएगी। मोदी सरकार अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल से 5 मई तक ग्राम स्वराज अभियान का आयोजन कर रही है। इसके तहत ग्राम विकास, गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय पर अलग अलग कार्यक्रमों के अलावा दलित हितों को विशेष प्राथमिकता मिलेगी और डॉक्टर अंबेडकर के संदेशों का प्रसारण होगा। दिल्ली से समाचार दस के लिए संतोष पाठक की रिपोर्ट।